गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माय नेम इज़ रमनदीप कौर ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है एबिलिटी टू यूटिलाइज़ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फॉर अग्यूमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो जर्नली सी का मीनिंग हमने कल किया था कि ये होता है हमारी अबिलिटी कि हम जो भी हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है उनको एफिशिएंट वे से करें ठीक है और इसके साथ साथ इसका एक और ये और भी इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी स्पेशलाइज्ड वर्क है है ना उसको सूटेबल लेवल ऑफ़ क्वालिटी के साथ उसको कर करके रखना ठीक है जो आज का हमारा करंट स्नैरियो चल रहा है है ना वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में तो वहाँ पर उसको लेटेस्ट अपडेटेड रहना होगा जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं जो उस उसमें अपडेटेड रहना चाहिए ठीक है एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल यही एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने आप को जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उसकी फील्ड के साथ रिलेटेड उसके साथ अपने आप को अपडेट रखें चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो मेडिकल का हो इंजीनियरिंग का हो लॉ का हो अकाउंटेंट का हो सारों को अपने आप को अपडेट रखना जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं ठीक है फॉर एग्जांपल कि पास्ट में जो पास्ट ईयर्स थे वहाँ तब जो हार्ट ट्रांसप्लेंट है ना था उसके बारे में इतना किसी को पता नहीं होता था क्योंकि उसको इतना प्रैक्टिस में यूज नहीं किया जाता था इन सफिशेंट नॉलेज की वजह से बट अब रिसेंट में क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और अप टू डेट हो रहे हैं अपने आप को लेटेस्ट नॉलेज अपने पास रखते हैं तो वो हेल्प करती है उनको कि वो बहुत सारी लाइफ को सेव कर सके इनफैक्ट कीपिंग इन टच विद द न्यू चेंजेस आल्सो हेल्प द प्रोफेशनल टू डिटरमिन देयर फ्यूचर करियर गोल्स ठीक है क्या कह रहे हैं कि अगर हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप को लेटेस्ट चेंजेस के साथ अगर वो टच में रहते हैं उनके है ना तो वो अपने करियर फ्यूचर गोल को डिटरमिन कर सकते हैं एंड इन केस ऑफ न्यू प्रोफेशनल देयर कंसेप्ट एंड एबिलिटी मस्ट हैव टू बी बेस्ड ऑन लेटेस्ट और अपकमिंग ट्रेंड ठीक है न्यू प्रोफेशनल के लिए है ना उनके पास सारे लेटेस्ट अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंसी जो जारविस था उसने अटैम्प्ट किया कि वो उसने एक मॉडल दिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का जिसमें एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को उसने डिफ़ाइन किया ठीक है डिस्क्राइब किया तो उसने एक एनालिसिस किया टास्क एनालिसिस ठीक है जी टास्क एनालिसिस जिसमें नॉलेज स्किल्स एंड एक्टिब्यूट तीनों को इंक्लूड किया उसने इंक्लूड किया नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंडर है ना कैटेगरी में ये फॉलोइंग जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया ठीक है एकेडमिक डिसिप्लिन द साइकोमोटर एलिमेंट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड मॉरल वैल्यू ये चार चीज़ें जो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में इसको ऐड किया जो साइकोमोटर होता है उसका मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज हमारी मेंटल एक्टिविटी है ना मेंटल के साथ रिलेटेड होती है उसको हम साइकोमोटर बोल देते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट कैटेगरी में जो की थी स्किल्स उसमें क्या था जारवेज ने क्या किया वो सारे एट्रीब्यूट जो इंक्लूड किए जो अजेंशियल्स होते हैं जो जरूरी होते हैं साइकोमोटर uh, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए और एट्रीब्यूट जो ज़रूरी होते हैं दूसरों के साथ इंट्रैक्ट करने, करने, करने के लिए ये दो चीज़ें उसने ऐड की कि जो एक्शंस जरूरी होते हैं है ना साइकोमोटर्स एट्रीब्यूट जरूरी होते हैं साइकोमोटर एक्शंस करने के लिए और जो एट्रीब्यूट जरूरी होते हैं दूसरों के साथ इंट्रैक्ट करने के लिए ये दो एट्रीब्यूट्स उसने इंक्लूड किए तो इसमें क्या था यहाँ पर प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो किस चीज़ से रेकोगनाइज किस चीज़ से हम उसको पहचान सकते थे वो था प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड जो भी उसकी प्रोफेशनल नॉलेज है उसका एटीट्यूड क्या है अपने प्रोफेशनल की तरफ जो उसकी इमोशनल कमिटमेंट है अपने प्रोफेशनल की टूवर्ड्स इंक्लेशन टूवर्ड्स परफॉर्मिंग इन अ प्रोफेशनल वे ठीक है इंक्लेशन क्या होता है झुकाव कि उसका झुकाव कितना है अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ठीक है ठीक है ये सारी जो है ना जो स्किल्स हैं नॉलेज है ये इनकम्प्लीट है इनकम्पिटेंसीज है इनमें ठीक है इस सारी क्लासिक क्लासिफिकेशन में बट फिर भी ठीक है ये फीचर्स जो हैं इसमें दोनों डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं मॉरल वैल्यू इन प्रोफेशनल एटीट्यूड जो इग्नोर होती हैं बाकी के जो मॉडल्स होते हैं उनमें इग्नोर की जाती हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है अबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड एकको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम ठीक है कि कैपेबिलिटी जो होती है कि जो भी हमारी है ना पीपल फ्रेंडली है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होती है कम्पटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स में उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है इसमें इंक्लूड होते हैं रिसोर्सेज और मैथड ठीक है जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग वाटर मैनेजमेंट इन्वामेंट फ्रेंडली फार्मिंग करनी इन्वायमेंट फ्रेंडली हाइजीनिक सिस्टम हो है ना डिवाइस जो सोलर एनर्जी पर रन uh, कर रही हैं एनर्जी सिस्टम पर हैं बायोमास पर हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है ठीक है प्रोडक्शन सिस्टम में तो पर्सनल और सोसाइटी दोनों लेवल पर ये जरूरी होता है कि इनकी प्रॉपर डिटेक्शन की जाए है ना सारी फीचर्स की पीपल फ्रेंडली की इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉपर डिटेक्शन की जाए तो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स क्या फीचर्स हैं ठीक है जी फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन कोई भी हमने वाटर एंड एयर पोल्यूशन पर थाम लगानी है, Next है है है, है जो भी waste हो रहा है, उसको reduce करना प्रोडक्शन है। है, करनी है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की फिर प्रोडक्शन क्लीन एनर्जी की प्रोडक्शन करनी है हमें रीप्रोसेस करना वेस्ट मटेरियल जो है उस जो उसको यूज करके दोबारा से कुछ है ना रीप्रोसेस करना है बेस्ट यूज़ ऑफ़ रिसोर्स अवेलेबल है लोकल लेवल जो लोकल लेवल पर हमारे पास रिसोर्सेज उनको बेस्टली यूज़ करना है फिर गिविंग प्रेफरेंस टू कंजम्पशन लोकल लेवल की कंजम्पशन पर प्रेफ़र करना जो भी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन कर कर रखना इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करनी इनकरेजिंग पर्टिकुलर इनोवेशन जो इनोवेशन है उसको इनकरेज करना अचीवमेंट की सेंस लेकर आना पीपल्स के बीच में ठीक है तो स्कोप क्या है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम का क्या स्कोप है कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रस्टक्शन हैं उनको इको फ्रेंडली मैनर्स में हमने उसको मैनेज करके रखना है अपना जो लाइफ साइकिल है उसको मैनेज कर कर, कर कर रखना है ना जो भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल उसको मैनेज कर कर रखना है डेवलपमेंट करनी है टेक्निक्स की जो वेस्ट <coughs> प्रोडक्शन को मिनिमाइज करें और प्रिवेंट करें उसकी रोकथाम करें और कम से कम करें और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है हमने रिसोर्सेज की जैसे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी इन सारे की एफिशिएंट यूटिलाइज करनी है ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है ठीक है थैंक यू क्लास